यहाँ एक एक मिनट कीमती है और बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है। पूरब, जैसे ही वो लोग जाएंगे हम निकलें। देखते हैं। रही हो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहां। जी आती हूँ, चलो। बैठी है अकेली, बेला मुक्ता कोई नहीं तोरे पास? बस अब थोड़ी देर की बात है, दूल्हे राजा से हवन करवाई के बाद तेरा ही बुलावा आना है। तब तक चाहे तो सुस्ता ले थोड़ी देर। पड़ी है पूरे घर में ढूंढत रही। अच्छा अब हम जाती हैं, तू सुस्ता ले थोड़ी देर। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरी बिनती क्यों नहीं सुन रहे हो कान्हा? क्यों बार बार मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, पर कम से कम मुझे इस मुश्किल का सामना करने की शक्ति तो दो। मुझे वचन दो कान्हा कि तुम विशाखा को समय से वापस भेज दोगे। सब ठीक हो जाएगा, मैंने बात कर लिया असिस्टेंट से, जाते ही ऑडिशन हो जाएगा। बस पहुंच गए, पहुंच गए। रोक रोक रोक, अरे रोक यार, अरे रोक ना, केले चल चल चल। तुमने आने में कितनी देर कर दी यार? तो यही है वो चेहरा? हाँ ये है मिस विशाखा शास्त्री। डायरेक्टर साहब अंदर हैं? हाँ डायरेक्टर साहब अंदर ही हैं, उनसे जाकर मिलना। और हाँ सुनो, अंदर जाना और उन्हें अपना नाम केवल विशाखा बताना, शास्त्री मत बताना, नहीं तो सोचेंगे कोई भजन कीर्तन करने वाली आ गई। चलो। अरे सुनो सुनो, आप जाइए मैडम। पर मैं भी। अब लल्ला क्या तुम भी ऑडिशन दोगे? अरे पर घोड़े को तालाब तक ले आया ना, काफी है, अब पानी पिलाने की कोशिश मत करो, समझ गए ना? वर को कहिए यहाँ के गिरिराज जी।
चाचू तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे देव भैया, हमें आपके जूतों की रक्षा करनी है। अभी आप जैसे ही वहां पे बैठेंगे, जूते उतारेंगे ना, तो आपकी सालियां जूते लेकर भाग उठेंगी। क्या कर रहा, क्या देख रहा? अरे हम देख रहे हैं कि कोई जूते चुराने ही नहीं आ रहा है। दे भैया की सालियां नहीं है क्या? तू भी ना, आपके यहाँ जूते चुराने की प्रथा नहीं है क्या? राधिका कहाँ है? जी वो अंदर काम कर रही है। हाँ, वो है ना, मौसेरी बहने हैं, लेकिन उनको जूते चुराने की समझ ना है। अच्छा अच्छा। हेलो जी, हम तो ऐसे ही तैयारी किए थे, गाना वाना सब तैयार कर लिए थे। हम सोच रहे थे जब वो जूते चुराएंगी तो हम भी ठुमका लगा लेंगे, थोड़ा मोल भाव करेंगे, फिर आखिर में जूता ले लेंगे। तो अब टाए टाए फिस हो गया। अच्छा चलो बैठ। हाँ। क्या कह रही है?
तूने विशाखा को जाने ही क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो तो नादान है, पर तू तो समझदार है ना? अब क्या मुंह दिखाएंगे हम संधि जी को? अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखने से पहले अच्छा होता तेरे बाबूजियों में जहर खा लेते। विशाखा तैयार है ना बेटा? मैं अंदर आ जाऊं? बेटा तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या कर रही है बेटा? अब कोई नया नाटक शुरू मत कर देना, मुहूर्त का समय निकल रहा है। विशाखा क्या कर रही है बेटा? विशाखा सुन तो मेरी बात। मुड़ इधर, मुड़ बेटा। जजमान कन्या को लाने कोई गया कि नहीं? अब कन्या की माता जी गई है, आती होगी। हे भगवान, बेटा तू हिलना मत, यहीं खड़ी रहना, नहीं तो कांच चुभ जाएगा। हम देख कर आती हैं। अरे बहू, बहू यहां साफ कर रही है, वहां मंडप में सब। सत्यानाश पुत्र करम
तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे तेरी हिम्मत हुई विशाखा का जोड़ा पहनने की? अम्मा अम्मा, अरे तू चुप कर, तू ही ने इसे सर चढ़ा रखा है। अम्मा अम्मा, विशाखा कहीं चली गई है और राधिका को अपना जोड़ा पहना गई है। ये इसी करम जल्दी की ही करतूत होगी। किसी ने विशाखा को सिखाया होगा। हमको तो पहले से पता था कि ये छोरी कोई ना कोई विकल्प जरूर डालेगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है? कौन सुनता है मेरी? बता रही छोरी, बता कहां भगाया है हमारी विशाखा को, बता बता, नहीं तो दूंगी ना ये कभी। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या करेंगे? क्या अब ये छोरी बताएगी मांजरा क्या है? बोल बोल जी, बोलती क्यों नहीं? अभी बोल ना। अम्मा जी, मैं बात करूं? कर कर, तू बात कर। राधिका बेटा, कहाँ है विशाखा? हाँ बोल बेटा। अरे बोल ना, बोलती क्यों नहीं? अरे मुंह में दही जमा के रखा है क्या? बोल ना। हाँ, बोल बेटा। ओ विशाखा ऑडिशन ले गई। उसने कहा था वो एक घंटे में लौट आई, तब तक मैं। मनहूस चोरी, तो तू विशाखा को रोक ना सकती थी? इसे तो बड़ी समझदार बन के फिरती है। तो वो कहां था ना, कहां था ना, इस शादी से घूम रहे ना? उल्टा तू विशाखा का ही जोड़ा पहनकर यहां पर विराजमान हो गई। अम्मा जी, राधिका को बाद में डांट लीजिएगा, अभी तो ये बताइए विशाखा का क्या करना है? अरे करना क्या है, विशाखा बोल कर गई है कि एक घंटे में आ जावेगी तो आवेगी, हम जाकर सब संभालती हैं बाहर। अम्मा जी, हम देखती है सबको। अम्मा जी, अरे हम संभालती हैं। अम्मा जी क्या संभालेंगी? अम्मा जी क्या संभालेंगी, आप बोलेंगी सबसे? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं विशाखा का। विशाखा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा अम्मा जी, कहीं का नहीं छोड़ा। विलंब करना ठीक नहीं है, जल्दी से कन्या को बुलाइए। यदि ये मुहूर्त निकल गया तो 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है जी। अरे ये बिहारी जी की चुनरी तो यही रखी है। असावधानी के कारण बाकी सामान के साथ आ गई होगी, संभवतः इसी के कारण विलंब हो रहा है। पंडित जी जरा चुनरी दीजिए। मैं अभी कन्या को लेकर आता हूं। करेंगे अम्मा जी? देवकी जी, अम्मा
अम्मा